मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को जीडीए के द्वारा 103.98 करोड़ की लागत से मानबेला में निर्मित प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के 1500 लाभार्थियों के आवास आवंटन का बटन दबाकर लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 लाभार्थियों को अपने हाथों से आवास की चाबी सौंपी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 1500 लाभार्थियों को जीडीए द्वारा निर्मित भवन का लाभ मिल रहा है तथा 1500 परिवार को एक एक आवास उपलब्ध हो रहा है। इसके लिए सभी लाभार्थियों को बधाई देता हूँ। उन्होंने कहा, मैं सभी लाभार्थियों से कहना चाहूंगा कि अपने आवास में जाकर गोरखपुर के विकास और प्रदेश के विकास के लिए अच्छा कार्य करें। उन्होंने कहा, सरकार पहले भी थी तथा प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री पहले भी बनते थे, लेकिन इससे पहले किसी के अंदर नौजवानों के लिए विकास की कोई सोच नहीं देखने को मिलता था। उन्होंने कहा कि योजनाएं पहले भी थी, लेकिन योजनाओं का आधार कोई व्यक्ति विशेष होता था या किसी जाति विशेष को दी जाती थी। उन्होंने कहा कि हम सभी आभारी हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने सबका साथ सबका विकास की सोच देश को दिया तथा उन्होंने देश के विकास के लिए योजना बनाकर जनता को समर्पित कर रहे हैं, जिसका लाभ देश के सभी व्यक्तियों को मिल रहा है तथा समाज के हर वर्ग योजनाओं से लाभान्वित हो रहा है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए देश में 43 लाख परिवारों को आवास उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए देश में 43 लाख परिवारों को आवास उपलब्ध कराया जा चुका है। उन्होंने कहा, जनपद में 34,228 लोगों को अब तक आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है, जिसके लिए सभी लाभार्थियों को बधाई व शुभकामना देता हूँ। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष साधना सिंह, सदर सांसद रवि किशन, राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद, नगर विधायक डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल, फतेह बहादुर सिंह, महेंद्र पाल सिंह, शीतल पांडे, विपिन सिंह, गोरखपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह, कमिश्नर रवि कुमार एनजी, डीआईजी जे रविन्द्र गौर, जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, एसएसपी डॉ. विपिन ताड़ा, एडीएम सिटी विनित कुमार सिंह, एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी सहित लाभार्थी मौजूद रहे। आदरणीय की उपलब्धियां बताने लगो तो अगर कहीं इस माइक की आवाज माननीय मुख्यमंत्री जी तक जा रही होगी तो मुख्यमंत्री जी नाराज हो जाएंगे कि इस मंच पर मुख्यमंत्री की प्रशंसा होनी चाहिए। तो ऐसे अपने प्राधिकरण के सम्मानित अधिकारी बन लो। और अभी हमारे बीच में अचानक बीच में आए, इनके नाम से नहीं बुलाता, ये सबके सनातन बाबा हैं, गोरखपुर छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, अहंकार जिनके पास छू तक नहीं गया है। गलतियां मुझसे भी हो सकती हैं, आपसे भी हो सकती हैं, हम निर्विकार ये सोच जल्दी राजनीति में मिलती नहीं, लेकिन हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारे पास एक ऐसा मित्र विधायक है। आपका हम खुद का विस्तार सादर भाव से अनुप्राणित अभिनंदन श्रीमन करें स्वीकार। उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय गुरु गोरक्षनाथ की पावन धरा के संवाहक निस्वार्थ योगी, जो अपनी जीवंतता और सहभागिता से पूरे भाव से उत्तर प्रदेश राज्य को निरंतर विकास उन्मुख बनाए रखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं हम स्वागत वंदन एवं अभिनंदन। पुनः मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश राज्य के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं परम श्रद्धेय गोरक्षपीठाधीश कार्यक्रम संपन्न होता हुआ मंच पर आसीन गोरखपुर विकास प्राधिकरण के समस्त अधिकारियों से सादर अनुरोध है कि आप पुष्प तरिका के द्वारा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सानिध्य में जनपद गोरखपुर के निवासियों को 1500 लाभार्थियों के दीप प्रज्वलन करके आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। दीप ज्योति करम दीप ज्योति मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का यहाँ पर हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। साथ ही में मंचा सिंह सभी जनप्रतिनिधियों का, यहाँ उपस्थित सभी लाभार्थीगण का, यहाँ उपस्थित सभी अधिकारियों का एवं प्रेस एंड मीडिया
के साथियों का भी हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं संक्षेप में इस परियोजना के बारे में सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि 1321 एकड़ में बनी हुई ये परियोजना लगभग 104 करोड़ में बन के तैयार रही है। इसमें टोटल 1500 फ्लैट बनाए गए हैं। एक फ्लैट की कीमत लगभग बनाने की 7 लाख रुपए आई है, परंतु लाभार्थी से केवल 2 लाख रुपए लिया जाता है, शेष 5 लाख रुपए सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इसके अलावा ये जो यहाँ पे निर्माण होकर तैयार हुआ है, इसमें एपेक्स वेदर कोटिंग लगी हुई है, ऑल वेदर दीवार है इसकी, कोई भी सीजन होगा उसमें ये खराब नहीं होगा। दूसरा, इसको सीलन फ्री भी बनाया गया है, इसमें किसी प्रकार के सीलन की संभावना से पूर्णतया इनकार किया जा सकता है। साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने यहाँ पे जो ओपन एरिया है, ओपन एरिया में जियो के माध्यम से फ्री वाईफाई देने का भी प्रावधान किया है और वो 1 हफ्ते के अंदर चालू हो जाएगा। इसके अलावा मैं सभी को बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो 1500 आवास बन के तैयार हुए हैं उसमें से 1425 का आवंटन कंप्लीट हो गया है। उसमें से 149 आवास अल्पसंख्यक कम्युनिटी माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को आवंटित हुआ है। 394 OBC अन्य पिछड़ा वर्ग जो होते हैं उस कम्युनिटी को आवंटित हुआ है। 281 शेड्यूल्ड कास्ट अनुसूचित जाति कम्युनिटी को आवंटित हुआ है और 12 अनुसूचित जनजाति कम्युनिटी को आवंटित हुआ है। इसके अलावा जो आवंटित हुआ है वो साधारण कैटेगरी को आवंटित हुआ है। जो 75 आवंटन के लिए बचे हैं उसकी भी आवंटन की प्रक्रिया जल्द ही शीघ्र पूरी कर दी जाएगी। मैं पुनः आप सभी लोगों को बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। जय हिंद जय भारत। अपने आशीर्वचन के इस अपने कर कमलों के द्वारा आज के कार्यक्रम का लोकार्पण करें। कंठक ध्वनि के साथ इस क्षण को अभिभूत किया जाए। गोरखपुर विकास प्राधिकरण के तत्वावधान में आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्रधानमंत्री आवास योजना का लोकार्पण होता हुआ पत्र वितरण कार्यक्रम में मंच पर आसीन माननीय मुख्यमंत्री महोदय परम श्रद्धेय श्री गोरक्षपीठाधीश्वर जी से सादर विनम्र अनुरोध है कि आप अपने कर कमलों से सर्वप्रथम श्रीमती देवप्रीत जी, वैभव सत्यदेव जी के हाथों में उनके मकान की चाबी एवं स्वीकृति पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्राप्त होता हुआ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्राप्त करते हुए इसके पश्चात एवं स्वीकृति पत्र को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्राप्त करते हुए मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से अपने आवास की चाबी एवं स्वीकृति पत्र को प्राप्त करते हुए उषा अग्रवाल जी, वाइफ ऑफ श्री भगवान सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से समस्त सम्मानित जन प्राधि को प्राप्त करते हुए तत्पश्चात श्रीमती मालती देवी, वाइफ ऑफ श्री राम बहादुर, माननीय मुख्यमंत्री महोदय में अपने घर की चाबी को प्राप्त करते हुए रोशन जहां मैम से अनुरोध है, रोशन जहां जी, वाइफ ऑफ शरीर कर देने वाला समय के उपरांत उन्हें अपने घर की चाबी को प्राप्त हुआ। मंच पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से अपने आवास की चाबी एवं स्वीकृति पत्र सामने देखिएगा, सामने 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 श्रीमती मिन्नी कुमार रानी जी जी मंत्री महोदय के कर कमलों से अपने आवास की चाबी एवं स्वीकृति पत्र को प्राप्त करते हुए तैयारी बाग से श्रीमती मंजू सामनी जी अपने मकान की चाबी एवं स्वीकृति पत्र को प्राप्त करते हुए राप्ती नगर फेस 4 से अपने घर की चाबी एवं स्वीकृति पत्र को प्राप्त करते हुए श्री राधेश्याम चौहान जी बरगदवा के निवासी श्री दिग्विजय कसारी जी सन ऑफ श्री मोहम्मद इस्लाम कूड़ाघाट निवासी आज अपने घर की चाबी एवं स्वीकृति पत्र को प्राप्त करते क्या ब्राह्मण क्या दलित क्या हिंदू क्या मुसलमान आज लाभार्थी इसी में अगर आप मीडिया बंधु कैमरा घुमाएंगे तो कितने मुसलमान भाई मुसलमान परिवार भी है
अगर आप कैमरा घुमाएंगे तो कोई ब्राह्मण भी बैठा है, तो कोई दलित भी बैठा है, कोई अगड़ा भी बैठा है, कोई पिछड़ा भी बैठा है, सब लोग, हर बिरादरी बैठी है। तो क्यों ऐसा ये विरोधी पक्ष कहते हैं कि महाराज जी कोई पक्षपात करते हैं? उनकी सोच तुष्टिकरण की है। वो जिन्नावादी सोच के लोग 2017 से मुझे गंगा गिरवा दीजिए। हाँ हाँ, क्या नाम है? यहाँ मुसलमान समुदाय गोरखपुर में रहता है, बताए कोई कि कोई भी सुरक्षित या अपने आप को घबराया हुआ महसूस करता नहीं? रामगढ़ झील के पास भी घूमते हैं, हमारी शूटिंग हो रही थी वहां पे भी आते हैं, हमारी शूटिंग में भी चौरी चौरा में सब मुसलमान समुदाय के लोग काम किए, पिछले लोग काम किए, सब लोग काम किए। जो वोट नहीं देते भाजपा को वो भी लाभार्थी हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी, ये है यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच, ये है हमारे पूज्य महाराज जी की सोच। जो लोग भाजपा को वोट नहीं देते वो लोग भी यहाँ पर आज चाबी लेके बैठे हैं। यही भाजपा है, तभी विश्व की इतनी बड़ी पार्टी है, तभी पूज्य महाराज जी दोबारा, मेरी बात याद रखिएगा आप लोग, पूज्य महाराज जी दोबारा 2022 में मुख्यमंत्री बहुमत से बन रहे हैं। अपने कार्य से, अपनी सच्चाई से, अपनी ईमानदारी से एक कलंक मेरे प्रधानमंत्री पे आप नहीं लगा सकते, एक कलंक मेरे मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी पर आपका समस्त भारत नहीं लगा सकता। यही तंत्र, यही संसाधन पिछली सरकार के पास था, कार्य सब हो रहा, विकास सब हो रहा, पूर्वांचल एक्सप्रेस बन रहा, एम्स बन रहा, फर्टिलाइजर बन रहा, नौकरियां मिल रही, 1500 मकान, 1500 परिवार आज इस रात इस घर में घुसेगा। कैसे हो? पैसा कहां से आई? पहली की सरकार कहां दरिद्र रोत रहे कि हम लोग भिखारी हैं, भिखारी है। अरे तुम लोग भिखारी नहीं तेरे, तुम लोग लुटेरे थे, तुम सब लुटेरे थे, तुम्हारा परिवार अपनी तिजोरी भरता था। तब ऐसे मकान नहीं बनते थे, किसी ने गरीब गुरबा के लिए नहीं सोचा, किसी ने नहीं सोचा कि गैस लाइन से पाइप आएगी, किसी सरकार ने यह नहीं सोचा, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी, हर घर 24 में नल खोलवा पानी आई, पिए वाला पानी आई हो। यही उत्तर प्रदेश, वही फैक्ट्री, वही संसाधन, पैसा कहां से आ गया? महाराज जी कोनो वर्ल्ड बैंक से कर्जा नहीं ले रहे हैं, यही उत्तर प्रदेश से, लेकिन ईमानदारी से जनता का पैसा जनता के कार्य आ रहा है। क्या कहते हैं विपक्षी लोग, ये जिन्नावादी के सोच के लोग? अरे बताओ जाके, पहले आजमगढ़ आपको ढूंढ रहा है कहां का सांसद, और एक मैं सांसद, आपने मुझे देखा कोरोना काल में, आपने बाढ़ में देखा है, आपने राशन बांटते देखा है, आपने वैक्सीनेशन लगाते देखा है, आपको ऑक्सीजन सिलेंडर मैंने दिलवाया, हर जगह आप लोगों के लिए मैं खड़ा रहा, हर सुख में दुख में। और एक सांसद आजमगढ़ के भी हैं जो अपने आप को मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं, उनसे पूछिए आप कहां थे। बसपा की मुखिया से पूछिए आप कहां थी जब पूरा उत्तर प्रदेश कोरोना के चपेट में था, कांग्रेस की प्रियंका जी आई थी, आप कहां थी? और प्रियंका गांधी जी, आपकी कंप्लेन आई है कांग्रेस सरकार की हमारे पास सांसद के रूप में, आप तो यहां से मीटिंग करके चली गई, एक वीडियो आया हमारे पास। अब मैं गोरखपुर का सांसद पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से, वीडियो में ये था मकान मालिका महाराज जी, मकान मालिक का एक वीडियो आया था, इनकी यहाँ पर 2019 से कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर कार्यालय चलता था जिला का, उसका किराया नहीं दिए 2019 से, किराया नहीं। मकान मालिक प्रियंका जी गई मीटिंग करके, मकान मालिक ने ताला मार दिया, अगली सुबह मेरे पास वीडियो आया। इतने झूठे लुटेरे लोग, अरे भैया हो हम सांसद ही, हमरे जनता का पैसा लौटा दे, जनता के का दे दू, का बोलू, का वादा कहू, हमके कोनो नहीं मतलब बा। एको कंप्लेन आई है तो सांसद के रूप में, तुम्हें कांग्रेस की ये विचारधारा है, आजमगढ़ में पूरा आजमगढ़ खोज रहा है सांसद जी को, ये लोग कहां थे? सब बरसाती मेंढक की तरह चुनाव आया पुड़क पुड़क बाहर आ गए, चुनाव आया पुड़क 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 मुंह लेके आ गए, बस ऊंची कर ली। अरे भैया हम खड़ा हो जाएगा तो भीड़ आ जाएगा,
वो अवल ही देखे कि कुछ सुधरे होंगे, विचार कुछ बुद्धि आई होगी, नहीं आई। भाजपा के महाराज जी के कुल वोट दिए हैं, तो जितना हो वोटर जितना भीड़ आ रहा है यो जान ले, क्योंकि दुनिया समझदार हो गई, उत्तर प्रदेश जाग गया है। बहु बेटी आज इत्मीनान से घूम रही है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर है, कानून व्यवस्था है, माफियाओं को कुचला जा रहा है बुलडोजर से, दबंग भाग गए हैं। बाहुबली बोलने के लिए खुद घबरा जाला आदमी, सब लोगों का मुंह जो बाहुबली का ऐसा है, सब लोग नीचे कर कर घूमत हैं, गिराए हैं कि महाराज जी उनके पूरा भगवा वस्त्र में राती के लव करना। आज उनके घर को आप प्राप्त होते हुए कटर धन के साथ हम प्रणाम पिता परमेश्वर के चरणों में यह आशीर्वाद के रूप में उनका भरत हस्त सदैव थी, अद्भुत मुस्कान थी कि आज आप लोग सब इस मकान में प्रवेश करेंगे। मैं मिट्टी के घर में रहता था, मेरी कहानी आप लोगों को पता है, तो मकान मेरे लिए बहुत बड़ा सपना था, एक बहुत बड़ी लड़ाई। यही भाजपा तभी विश्व की इतनी बड़ी पार्टी है, तभी पूज्य महाराज जी दोबारा, मेरी बात याद रखिएगा आप लोग, पूज्य महाराज जी दोबारा 2022 में मुख्य। भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित गोरखपुर के महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन शुक्ला जी, राज्यसभा के माननीय सांसद श्री जयप्रकाश निषाद जी, माननीय विधायकगण डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, श्री फतेह बहादुर सिंह जी, श्री विपिन सिंह जी, श्री महेंद्र पाल सिंह जी, श्री शीतल पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के महानगर के अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, नगर निगम कार्यकारिणी के उपसभापति श्री श्री मोहन वर्मा जी, विकास प्राधिकरण बोर्ड के सदस्य श्री दुर्गेश बजाज जी, श्री पवन कुमार त्रिपाठी जी, और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी लाभार्थीगण, उपस्थित भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत गोरखपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा निर्मित 1500 लाभार्थियों को आज यहाँ पर एक एक आवास उपलब्ध हुआ है। मैं इसके लिए आप सभी गोरखपुर वासियों को, जिन्हें 1500 परिवारों को यह आवास आज यहाँ पर एक साथ मिला है, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास की सुविधा प्राप्त होने पर आप सबको मैं हृदय से बधाई देता हूँ। विकास प्राधिकरण को इस कार्य के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि इस आवासीय योजना का लाभ आप स्वयं लेकर के अपने परिवार के उज्जवल भविष्य की योजना बना करके गोरखपुर के विकास के लिए, प्रदेश और देश के विकास के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे, इस विश्वास के साथ आज मैं स्वयं आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ। हम सब जानते हैं कि सरकारें पहले भी आती थी, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री पहले भी बनते थे, लेकिन गांव की, गरीब की, नौजवान की, महिलाओं के बारे में विकास की कोई सोच हो यह नहीं देखने को मिलता था। योजनाएं पहले भी बनती थी लेकिन योजनाओं का आधार कोई व्यक्ति विशेष होता था, कहीं जाति विशेष हो जाती थी,
देश आभारी है प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने सबका साथ सबके विकास का मंत्र पूरे देश को दिया और आज उसके अनुरूप योजनाएं बना करके उन योजनाओं का लाभ समाज के प्रत्येक तबके को मिल रहा है। क्या गांव को, क्या गरीब को, क्या किसान को, क्या नौजवान को, क्या महिलाओं को, यानी समाज का हर तबका उससे लाभान्वित हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना, अब तक हम लोग प्रदेश में 43 लाख परिवारों को एक एक आवास उपलब्ध करा चुके हैं। भाइयों बहनों, ये आवास पहले भी प्राप्त हो सकता था। प्रदेश में आजादी के बाद सर्वाधिक समय तक कांग्रेस को शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ था। चार बार समाजवादी पार्टी को प्रदेश के अंदर शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ था। तीन बार बहुजन समाजवादी पार्टी को भी शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ था। तब तो योजनाओं का लाभ किसी गरीब को नहीं मिल पाता था। तब तो चेहरा देख करके कुछ चुनिंदे लोगों को लाभ दे करके बाकी ये मान लिया जाता था कि बाकी और लोगों ने प्राप्त कर लिया है। अकेले उत्तर प्रदेश में 43 लाख लोगों को हम लोगों ने अब तक आवास की सुविधा उपलब्ध करवाई है और अगर मैं केवल शहरी क्षेत्र में गोरखपुर के अंदर लाभार्थियों की सूची उपलब्ध कराऊं तो 34,228 लोगों को अब तक हम लोगों ने आवास की सुविधा गोरखपुर में शहरी क्षेत्र में मात्र दी है। यानी 4.5 वर्ष में 34,228 से अधिक ऐसे लोग थे जिनके पास अपना आवास नहीं था, उनको आवास की सुविधा का लाभ दिया जाना चाहिए था, लेकिन पिछली सरकारों के पास इतनी फुर्सत कहां थी कि उनके बारे में सोच सके। आवास की बात तो बहुत दूर, गोरखपुर को बिजली नहीं मिलती थी, आज बिजली मिल रही है। क्यों, आप लोग बताइए, बिजली आ रही है? आज बिजली मिल रही है सबको, आज योजनाओं का लाभ मिल रहा है सबको। पहले गरीब को खाद्यान्न भी नहीं मिलता था, आज तो राशन की सुविधा का लाभ हर एक व्यक्ति को दिया जा रहा है। पहले मस्तिष्क ज्वर से इस मौसम में हजारों मौतें होती थी, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, बस्ती, इन सब इन्हीं 7 जनपदों में हजारों मौतें होती थी। कारण है उनके पास शौचालय नहीं थे, उन्हें घर के बाहर जाना पड़ता था। इज्जत भी तार तार होती थी, तमाम प्रकार की बीमारियां भी साथ आती थी और सबसे ज्यादा मासूम बच्चे उसकी चपेट में आते थे। भाइयों बहनों, हर घर में एक एक शौचालय उपलब्ध करवाया गया। प्रदेश में 2,61,00,000 परिवारों को शौचालय उपलब्ध करवाया गया जिनके घरों तक बिजली नहीं पहुंचती थी। ग्रामीण क्षेत्र में वहां बिजली दी गई, शहरी क्षेत्र में भी झूलते हुए तारों का समस्या का समाधान निकाला गया। अब बल्लियों में नहीं बल्कि बिजली के पोल लगेंगे, किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं, सरकार पैसा देगी। और आज गोरखपुर नगर में भी उन नए क्षेत्रों में वे तमाम योजनाएं जो अभी नए नए नगरीय क्षेत्र में आए हैं, नगर निगम में आए हैं, उसको नगर निगम में उसको प्रदेश शासन ने पैसा देकर के कहीं सड़क, कहीं नाली, कहीं बिजली, पानी, स्ट्रीट लाइट और आवास की सुविधा, शौचालय की सुविधा, ये सभी उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है। ये कार्य पहले भी हो सकता था, लेकिन पहले की सरकारों के पास सोच नहीं थी, वे अपने स्वयं के स्वार्थ में इतने अंधे बने हुए थे, अपने स्वयं के विकास के प्रति सोचते थे। आपने देखा होगा ये सब आवास एक गरीब को सामान्य रूप से उसके लिए बनाना बहुत कठिन होता है। अगर एक व्यक्ति स्वयं अपने स्तर पर बनाता तो उसको जमीन लेनी होती, जमीन का पैसा अलग लगता, मेटीरियल का खर्चा अलग लगता, बनवाई का अलग लगता,
बिजली की समस्या अलग होती, सड़क की समस्या अलग होती, सीवर की समस्या अलग होती, पार्क है नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं थी। आज यहां पर एक साथ 1500 परिवारों को रहने के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाई गई है और 1500 लोगों को आवासीय सुविधा इस विश्वास के साथ उपलब्ध कराई गई है कि इस योजना का लाभ जो आवास आप व्यक्तिगत रूप से बनाने का प्रयास करते हैं तो जमीन से लेकर के निर्माण तक 10 लाख रुपया कम से कम खर्च होता, उस आवास में मात्र 2 लाख रुपए में ही उस आवास की सुविधा आपको प्रधानमंत्री योजना के अनुसार और गोरखपुर विकास प्राधिकरण अपने स्तर पर सहयोग लेकर के 8 लाख रुपए की सब्सिडी आपको दे रहा है, 8 लाख रुपए की छूट दे रहा है और उस मकान का मालिकाना हक आपको दे रहा है इस विश्वास के साथ कि इस आवास पर आप रहेंगे, आपके बच्चे पढ़ेंगे, आपके बच्चे रहेंगे, इस आवास को कोई बेचेंगे नहीं बल्कि स्वयं रहने के लिए उपयोग करेंगे, जिससे अच्छे आवास में रह करके आपके बच्चे अच्छी पढ़ाई कर सकेंगे, अच्छा बन सकेंगे और एक अच्छी सोच के साथ वे अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा का उपयोग देश के लिए कर सकेंगे, प्रदेश के विकास के लिए कर पाएंगे, गोरखपुर के विकास के बारे में सोच पाएंगे। और यहां पर मानवेला का क्षेत्र बहुत विकसित हो रहा है, इधर फर्टिलाइजर कारखाना खुल रहा है, उसके बगल में सैनिक स्कूल खुल रहा है, उसके पीछे पुलिस ट्रेनिंग स्कूल खुल रहा है, उसके साथ महिला पीएससी की बटालियन की स्थापना हो रही है, सामने ब्याड़ी मेडिकल कॉलेज है, ब्याड़ी मेडिकल कॉलेज सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक अलग से बन गया है, बाल संस्थान अलग से बनकर के खड़ा हो चुका है, नर्सिंग कॉलेज भी उसके साथ संचालित होने जा रहा है, एम्स गोरखपुर में निर्मित हो चुका है, अगले महीने प्रधानमंत्री जी के द्वारा उसका उद्घाटन भी होगा, फर्टिलाइजर का भी भव्य उद्घाटन होगा, ढेर सारी रोजगार की संभावना, नौकरी की संभावना यहां पर बनेगी। उसके लिए तैयार होना, उसके लिए अपने आप को तैयार करना, अपने शहर को तैयार करना और उसी विश्वास के साथ आज 1500 लोगों को एक साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इस सुविधा का लाभ आज यहां पर दिया जा रहा है। आप सबको मैं इस अवसर पर बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, इन योजनाओं का लाभ आपने आपकी वर्तमान पीढ़ी ले, इसके लिए आप सबको बधाई देने के लिए विशेष रूप से मैं आज यहां पर उपस्थित हुआ हूं। आज यहां पर जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक कार्रवाई यहां पर प्रारंभ हुआ है और अच्छे आवास बने हैं, जब निर्माण हो रहा था मैं तब आया था यहां पर देखने के लिए, आवास अच्छे बन रहे थे, लगभग हर एक आवास में 2-2 कमरे हैं, अटैच किचन है, लेटरिन बाथरूम बाथरूम भी है, एक वहां पर पानी की सुविधा है, पर्याप्त मात्रा में पानी हर एक परिवार को प्राप्त हो इसकी व्यवस्था वहां पर प्रत्येक जगह की जा रही है, स्ट्रीट लाइट है, पार्क बनेगा, अच्छी व्यवस्था यहां पर दी जा रही है। यहां पर जो आवासीय सुविधा दी जा रही है आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि जो लोग यहां पर रहेंगे वे लोग अपनी सोसाइटी के माध्यम से, यद्यपि विकास प्राधिकरण तो इसमें योगदान देगा ही, नगर निगम तो सहयोग करेगा ही, लेकिन उनकी स्वयं की सोसाइटी भी इस विकास के कार्य के साथ जुड़े, स्ट्रीट लाइट है, पेयजल की सुविधा है, पार्क के सुंदरीकरण की योजना है, कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम हो तो सार्वजनिक सुविधा का उपयोग सार्वजनिक कार्यों के लिए ही होना चाहिए, पार्क में कोई व्यक्ति कब्जा न करने पाए, सड़कों पर अनावश्यक अतिक्रमण न होने पाए, अनावश्यक रूप से कोई व्यक्ति किसी शासकीय संपत्ति पर कब्जा करके अवैध और अनैतिक गतिविधियों का संचालन न करने पाए, ये समाज के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी बनती है। अगर सरकार इतना कुछ कर रही है तो हम भी तो अपने स्तर पर कुछ कर सके और एक व्यवस्था इसी अनुसार हमें करनी है। दूसरा, आवासीय सुविधा का लाभ अभी तो उन लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है जिनके पास आवासीय सुविधा अब तक उपलब्ध नहीं हो पाई थी, गरीब है, कमजोर है,
कोई ठेला लगाता है, कोई खोमचा लगाता है, कोई मजदूरी करता है, कोई सफाई कर्मी है, कोई कुछ अन्य उस कार्य के साथ जुड़ा हुआ है, उन लोगों को सुविधा का लाभ मिला। यद्यपि पहले 34,228 लोगों को गोरखपुर शहरी क्षेत्र में, गोरखपुर महानगर के साथ साथ हमारी जितनी टाउन एरिया है, इन सब में हम इस सुविधा का लाभ दे चुके हैं, लेकिन ये अलग घटक है जिसके अंतर्गत इस सुविधा का लाभ प्रत्येक नागरिक को उपलब्ध करवाने का प्रयास हो रहा है, और इस सुविधा का लाभ आज आप यहाँ पर प्राप्त कर रहे हैं, मैं इसके लिए आपको बधाई दूंगा। लेकिन साथ साथ मेरा विकास प्राधिकरण से और अन्य कार्यदायी संस्थाओं से इस बात का आग्रह होगा, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हर उस गरीब को, हर उस लाभार्थी को योजना का लाभ हम प्राथमिकता के आधार पर दें। कुछ अन्य योजनाओं पर भी हमें प्राथमिकता के आधार पर कार्य करने की आवश्यकता है, जैसे मलिन बस्तियों में जो लोग आज भी वहां पर बड़ी दयनीय स्थिति में रह रहे हैं, वहां पर भी हम शासन की योजना से उन्हें लाभान्वित कर सकते हैं। बहुत सारे स्लम एरिया हैं जहां पर शासकीय भूमि पर अतिक्रमण है, मलिन बस्तियां फंस गई है और वहां की स्थिति, वहां कोई भी बुनियादी सुविधा नहीं, वहां पर भी अगर हम इस प्रकार की आवासीय सुविधा को बना करके और उस सुविधा का न केवल कॉमर्शियल उपयोग बल्कि उन लोगों को बेहतर आवासीय सुविधा वहां पर हम दे सकेंगे तो एक बड़ा तबका उससे लाभान्वित होगा, उनके जीवन स्तर को उठाने में मदद मिलेगी और समाज जीवन में प्रत्येक नागरिक के जीवन स्तर को उठाने में हम जितना बड़ा योगदान दे पाएंगे वह प्रदेश और देश के विकास को उतनी तेजी के साथ आगे बढ़ाने में मददगार होगा। तीसरा, बहुत सारे ऐसे तबके हैं जिनके लिए इस प्रकार की आवासीय सुविधा विकास प्राधिकरण और आवास विकास अलग से बना सकता है, जैसे हम लोगों ने गोरखपुर में पत्रकारों के लिए एक आवासीय सुविधा को आगे बढ़ाने के लिए कहा है और मैं विकास प्राधिकरण से कहूंगा कि उसने सब्सिडी का अंश बढ़ा करके कुछ कॉमर्शियल गतिविधियों को अलग से तैयार करते हैं। यह आवासीय सुविधा पत्रकारों को, अधिवक्ताओं को, शिक्षकों को, चिकित्सकों को, व्यापारियों को, समाज के अलग अलग तबके के लिए भी हम आवासीय सुविधा निकालें और फिर उनकी इनकम ग्रुप के अनुसार उनको आवासीय सुविधा का लाभ देंगे तो एक बड़ा लाभ, बड़ा तबका इससे लाभान्वित होगा और शासन की योजनाओं के साथ जुड़ता हुआ दिखाई देगा और इस योजना को भी हमें शीघ्र आगे बढ़ाने की आवश्यकता है क्योंकि पत्रकारों के लिए जो आवासीय सुविधा यहाँ पर विकास प्राधिकरण के द्वारा प्रस्तावित थी उसमें काफी लेट हो रहा है, उसको तेजी के साथ आगे बढ़ाने और जो पहले उसमें सुविधा देने की व्यवस्था हो रही थी उस सुविधा को ही हम उसके साथ जोड़ करके अधिक से अधिक लोगों को उसके साथ जोड़ देंगे तो एक बड़ा तबका उससे लाभान्वित होता हुआ दिखाई देगा। तीसरा, जहां पर भूमाफियाओं के द्वारा या पेशेवर माफियाओं के द्वारा शासकीय संपत्ति पर कब्जा करके, जमीनों पर कब्जा करके अतिक्रमण किया गया था, वहां से उन जमीनों को भी कब्जे से मुक्त करके गरीबों के लिए वहां पर फ्री में आवास की सुविधा का लाभ उपलब्ध करवाई जाने की आवश्यकता है और मुझे लगता है कि इसको बड़े पैमाने पर करने की आवश्यकता है जिससे आने वाले समय में किसी शासकीय संपत्ति पर कोई भी भूमाफिया कब्जा करने का दुस्साहस न कर सके। और आज यह सुविधा यहाँ पर गोरखपुर में हम मानबेला में यहाँ के 1500 परिवारों को आवास की सुविधा का लाभ दे रहे हैं, ये उनके लिए, बहुत सारे परिवारों के लिए तो एक नया सवेरा है, दीपावली जैसा उत्सव है क्योंकि बहुत सारे परिवारों के पास पहली बार अपना स्वयं का आवास मिला होगा, कुछ लोगों के पास आवास रहा होगा, जर्जर रहा होगा, उनको यहां पर मिल रहा है। लेकिन अभी हमें इस अभियान के साथ बहुत कुछ करना है और हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के जिन्होंने इतने बड़े पैमाने पर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ हरेक नागरिक को दिया है और हमारा प्रयास होना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी की संकल्पना के अनुसार 2022 तक हरेक उस व्यक्ति को हम आवास की सुविधा का लाभ दे दें
जो अब तक जिसके सिर को ढकने के लिए कोई आवास नहीं है। इस दिशा में गोरखपुर के प्रशासन ने अच्छा काम किया है। बंटागिया गांव में मैं दीपावली के दिन गया था, वहां पर 5 साल पहले हम लोग जाते थे, किसी भी व्यक्ति के पास पक्का आवास नहीं होता था, सब लोग झोपड़ी में रहते थे। आज सबके पास अपना पक्का मकान है। 5 साल पहले हम लोग जाते थे, स्कूल नहीं था, अब वहां पे स्कूल ही नहीं बना, स्मार्ट क्लास उन बच्चों के लिए वहां पर चल रही है। आज वहां पर वे सभी सुविधाएं, पहले वे लोग तालाब का पानी पीते थे, आज उनके पास हैंडपंप है। पहले वे लोग केवल शाम सूर्यास्त होने के बाद उनकी जिंदगी भी अंधेरे में डूब जाती थी, लेकिन आज वहां पर बिजली और सोलर पैनल देकर के उनके घरों में उजाला किया गया है। यह एक नई सोच के साथ नए उत्तर प्रदेश को बनाने की संकल्पना को आगे बढ़ाने का, जो नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के रूप में हम सबको आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं विकास प्राधिकरण को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप सभी लाभार्थी जो यहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्राप्त किए हैं, उन सबको मैं एक बार फिर से हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।